हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल चक दी विद नॉलेज, जहां हम बात करते हैं ज्ञान की और बस ज्ञान की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रेडिट कार्ड्स की। बहुत से लोगों को क्रेडिट कार्ड्स को लेकर बहुत से कंफ्यूजन होते हैं, तो आज हम कुछ टॉपिक्स क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके डाउट्स शायद दूर कर दें। सो आज हम आपके साथ जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे उनमें से फर्स्ट है क्रेडिट कार्ड क्या होता है, सेकंड है क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करते हैं, थर्ड है किन लोगों को क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, फोर्थ है क्रेडिट कार्ड यूज़ कैसे करते हैं, फिफ्थ है क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे, एंड सिक्स्थ है हमारा टॉपिक क्रेडिट कार्ड से होने वाले नुकसान क्या होते हैं। सो चलिए सभी टॉपिक्स पर डिटेल्स में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड क्या होता है। जैसा कि डेबिट कार्ड होता है, एटीएम कार्ड होता है, वैसा ही क्रेडिट कार्ड भी एक कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड हमारे बैंक अकाउंट से लिंक होता है और क्रेडिट कार्ड को जब बैंक जारी करता है तो उसके लिए बैंक हमें लिमिट देता है। बैंक की लिमिट के अंदर ही हम खर्च कर सकते हैं। ये लिमिट आपकी इनकम के बेसिस पर होती है और बैंक डिसाइड करता है। लिमिट 25,000 से 50,000 तक हो सकती है एंड 1,00,000 से 5,00,000 तक भी हो सकती है। सो सेकंड पॉइंट है हमारा क्रेडिट कार्ड किन लोगों को दिया जाता है। सो अगर आपके पास एक अच्छी इनकम ऑफ सोर्स है या आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं या आपका एक अच्छा बिजनेस है तो आपको इजीली क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। सो हमारा थर्ड पॉइंट है क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कैसे करें। क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। आप जिस भी बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं एंड अप्लाई करने के लिए 1 मंथ के बाद आपके परमानेंट या कम्युनिकेशन एड्रेस पर क्रेडिट कार्ड भेज दिया जाएगा और आप इसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। सो हमारा फोर्थ पॉइंट है क्रेडिट कार्ड का यूज़ कैसे होता है। तो जब बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू करता है तभी बैंक आपको इसकी एक लिमिट फिक्स कर देता है। लिमिट का मतलब यहाँ से है, जितनी लिमिट होगी आप उतना ही क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर सकते हैं और कैश निकाल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, क्रेडिट कार्ड कैश निकालने पर आपको पेनल्टी या ब्याज लगना शुरू हो जाती है, इसलिए जब तक ज़रूरत ना हो क्रेडिट कार्ड से कैश नहीं निकालें। आपको अवॉइड करना चाहिए कैश निकालने, क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन शॉपिंग या पेमेंट करने में ही यूज़ करना बेनिफिशियल है। सो हमारा यहाँ फिफ्थ पॉइंट है क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे। क्रेडिट कार्ड के हमें फ़ायदे भी होते हैं अगर आप उसे अच्छे से और समझदारी से इस्तेमाल करें। अगर आपको अचानक पैसे की नीड है और आपको कहीं से भी पैसा अरेंज नहीं हो रहा है तो उस टाइम आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं या पे कर सकते हैं और उसके 1 मंथ बाद आप उसका बिल पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से मिलने वाला सेकंड जो हमारा बेनिफिट है वो ये है, अगर आप क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड और पॉइंट्स मिलते हैं जिनको आप रिडीम कर सकते हैं और कई बार ऑनलाइन शॉपिंग पर भी क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर भारी छूट मिलती है। सो हमारा सिक्स पॉइंट है क्रेडिट कार्ड के नुकसान। कभी कभी ना समझी में हमसे क्रेडिट कार्ड से यूज़ करने पर भारी नुकसान भी हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम से नहीं करते हैं तो इसका अच्छी खासी पेनल्टी लग जाती है। और जो दूसरा नुकसान ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो कैश निकालने के दिन से ही पेनल्टी या ब्याज लगना शुरू हो जाती है। सो यहाँ मैं आपके साथ एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये है कि क्रेडिट कार्ड का बिल कैसे आता है और कैसे पे कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड से कोई भी पेमेंट के 1 मंथ के बाद बिल जनरेट होता है जिसको पे करने के लिए आपको 15 से 20 महीने का टाइम मिलता है, जो कभी कभी 1 महीने का भी होता है। बिल हमारे नेट बैंकिंग पर शो होता है और परमानेंट एड्रेस या कम्युनिकेशन एड्रेस पर भेज दिया जाता है। बिल में सभी डिटेल्स होती हैं, क्या खर्च हुआ है, क्या पेनल्टी लगी है, ये सारी ही डिटेल्स आपको उस बिल में देखने को मिल जाती हैं। बिल पे करने के लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग या फ़ोन पे, गूगल पे या बैंक से भी जाकर आप बिल पे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड को अगर आप स्मार्टली यूज़ करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट हैं।
सो अगर आप अच्छी जॉब या बिजनेस में हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड ले लेना चाहिए और उसका यूज़ करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज मेरी क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करेगा एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा विद नोटिफिकेशन बेल। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।